जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और हमारी परसेंटेज की क्लास शुरू हो चुकी है और परसेंटेज का आज का जो सवाल है वो 19वां सवाल आ चुका है हमारे। 19वें टाइप की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला सवाल आज के दिन का और 19वां सवाल परसेंटेज चैप्टर का। तो सवाल क्या है आज का, ये है सवाल संख्याओं पर आधारित जो कि परसेंटेज का है। कहता है सवाल, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है ये सवाल। संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। क्या कहा है क्वेश्चन, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x प्रतिशत है, ध्यान से देखना बच्चों, पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित है, मैक्सिमम बच्चों को तो आता भी नहीं है। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या और यहां पर x, तो अब मैं पहली और दूसरी को तो x मान ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि पहली और दूसरी संख्या के ही नाम दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक संख्या यानी कि पहली का 80% दूसरी संख्या के पचास प्रतिशत के बराबर है, यानी कि इक्वलिटी का जो है वो सिंबल डाला। देखिए पहली संख्या, मैं पहली ही लिखता हूं, पहली संख्या का 80% गुना 80 आ गया और बटा 100, तो आइडिया तो लग ही गया है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या का कितना है, 50 बटा 100 आएगा, 50 बटा 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बराबर है 50 बटा 2 और 10 बटा 8 यहाँ ऐसे 2 बटा 8 5 बटा 8। अगर हम डायरेक्ट बोले तो पहली संख्या 5, दूसरी 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का 100% अब क्या है कि अब दूसरी और पहली संख्या वाली बात आ गई, तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी संख्या अगर हम क्या भर देते हैं, 8 भर दें, पहली संख्या 5 भर दें, एक्स बटा 100 भर दें, 5 × 5 = 8 × 100। अब मुझे बताना है कि आपको दिक्कत कहाँ, कई बच्चे ये बोलते हैं सर आपने 5 और ये फिर से भर दिया, ये कैसे भर दिया। मैं बोलूंगा मैंने आपको रेशो चैप्टर में बताया था, पहली संख्या ये है ना बच्चों, क्या थी 5, ये आपकी दूसरी है
संख्या वो कितनी है, आठ। ये पहली, दूसरी पहली संख्या। तो जैसे संख्या है वैसे ही हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, बस आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो 160, एक्स का मान क्या होगा, 160 होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, साथ साथ में ट्राई करिए। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या पर 150% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संख्या का 14वां भाग, यानी 14वां भाग मतलब 1/4, संख्या का 14वां भाग होता है 1/14, क्या बोलो, तीसरा भाग 1/3, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, ध्यान से रखिएगा दिमाग में, का 5वां भाग 1/5। मतलब हमने अगर कोई पिज्जा खाया बच्चों, अगर हमने उसका एक हिस्सा खाया तो हम उसका कौन सा हिस्सा है, टोटल 4 स्लाइस बनती है, सभी बच्चों को आइडिया होगा, 1/8, 4, मैंने 1/4 हिस्सा खाया, 4 स्लाइस में से का एक स्लाइस खाई है, यानी चौथा हिस्सा खाया है, अभी 3 हिस्से बचे बाकी है। वैसे ही ये 14वां भाग का क्या अर्थ हुआ, 1/14, जो कि किसके बराबर है, 12 के बराबर। संख्या गुना 1/14 बराबर है, संख्या को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 14 को 12। संख्या क्या आ गई, क्या किसके बराबर है, 14 गुना 12, और 14 को 12 से यानी कि 14 12 तक 168 के बराबर हो। तो अब यानी कि संख्या तो आपके पास आ गई, अब संख्या का 150% बोला है, तो यानी कि 168 का 150% आपने निकालना है, 168 का तो 5 5 10 5 15 2 16 8 4 12 24, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 252। ये इसका हल है, प्रकार से भी क्वेश्चन करना है जो कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा जो कि परीक्षाओं में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, पास फेल के आधारित प्रश्न कहते हैं, पास फेल के क्वेश्चन भी हमारे कई एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटवारियों में, एसएससी में, एक परीक्षा में 40% जो संस्कृत, 25, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बताइए कि वो उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो बच्चों सबसे पहले आपने बात क्या याद रखनी, याद रखना आपके पास जब भी इस टाइप के पास हुए, ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत अच्छे रहता है। पहला जो सर्कल बनाया, पहला सर्कल समझा देता हूं, जैसे आप ये सर्कल्स बनाएंगे, ये जो पहला सर्कल बनाया तो पहले सब्जेक्ट का बनाया, इसी प्रकार से दूसरा सर्कल जब मैं बनाऊंगा वो ओवरलैप बनाऊंगा, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर दूसरे, तो ये संस्कृत का। तो ये इसमें हुए 25% है, वो
फेल है और 40% फेल। और बीच में जो ये जो ओवरलैप स्पेस, यहां पर दोनों का आ जाता है। मगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करें तो आपने दिमाग में रखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी एक ही सिरे के होने चाहिए, मतलब एक जैसे। जैसे हिंदी में पास है या फेल है, संस्कृत में पास है या फेल है, और बोध में भी पास है या फेल है। अगर पास की अगर हिंदी के पास लिखे हैं, संस्कृत के पास है, तो बोध के भी पास ही। अगर हिंदी के फेल है, संस्कृत के फेल है, और बोध के भी फेल ही होने चाहिए, ये आपने दिमाग में। अगर आप बोलते नहीं सर आप ऐसा नहीं है, अब उल्टा भी तो हो सकता था, तो मैं बोलूंगा बच्चों कोई नहीं है, देखिए एक संस्कृत। अगर आपके पास क्वेश्चन में पास दिए हैं तो आप, या फेल दिए हैं तो आप पास ले लो, 60%, 75%, उल्टा कर लो, 100 से ही माइनस करना है बच्चों। ये तो आपको मुझे लग रहा है कि आइडिया हो ही गया। अब आपने देखी ये और ये दोनों आपने प्लस कर देना, प्लस कर देना है 40 में आपने हिंदी प्लस संस्कृत के टोटल कितने हो गए, 40 में 25 डाल दो, कितने हो गए बच्चों, 65। अब ये जो है बीच के जो कि बोथ है, ये दो बार काउंट होते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ भैया हिंदी में कितने बच्चे पास हैं, सारे ही खड़े हो गए, चार लड़के दूसरे बेंच से खड़े हो। जब मैंने संस्कृत में पूछा कितने पास हैं, और तो खड़े हुए संस्कृत वाले, पर वो दो बेंच वाले फिर से खड़े हुए। इसका मतलब होता है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि काउंट हो रहा है। ये जो बोथ वाला होता है हर बार इसको क्या तो माइनस करने, ये निकल गए इस वक्त के अनुसार, क्योंकि हमने ये फेल वाला बनाया, ठीक है। इसलिए ये 45% फेल है, तो 100 में से अगर 45 चले गए, कितने बच गए बच्चों बताएं आप, वो है 55। 55% जो है वो पासिंग वाले हो गए, 45% जो है वो फेल वाले। तो इसका इस प्रकार से जो है वो हल रहने वाला है, ठीक है जी। अगर हम बोलते सर आपने फेल वाला है आपने बनाया, तो आप पास वाला ये बनाया, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको समझाया वैसे ही कर, टी प्लस संस्कृत के पास वाले कितने हो गए, 60 प्लस 75 हो गए, 5 ये हो गए, 6 12 11 135। बीच वाले को मैंने क्या बोला है, माइनस कर देना है, 5 ये हो गए और ये तो 55 डायरेक्ट पास वाला। आप इस प्रकार से कर सकते, पास वाले से फेल वाला निकालना होता, फेल वाला कैसे निकालेंगे, 100 में से 55 को माइनस कर, 40। आपका इस क्वेश्चन का हुआ या ये अभिप्राय हुआ, ये दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आप किसी भी मेथड से वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से एक बार हम ट्रायल मार लेते हैं कि हिंदी का पेपर हुआ है, दो पेपर, प्रथम प्रश्न 55 75% और दूसरे पेपर में 55% पास हुए। ये देख लो दोनों में पास पास वाले दोनों पेपर, मगर फेल वाले जो है वो बोथ दोनों में जो है 35। बहुत ही अच्छा सवाल। अब क्वेश्चन को आगे भी पढ़ लीजिए, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले ही पूछे, पहला पेपर है। अब इन्होंने फेल वाले हमारे पास बोथ वाले दोनों वाले नहीं आते। मैं पहले पेपर में 75% क्या हुए पास हुए, तो फेल कितने हुए, अगर मैं 55% हुए वो दूसरे पेपर में पास हुए हैं, फेल कितने। इस प्रकार से आपने जो है कंडीशन जो है वो अप्लाई कर। अब देखिए फिर से वही दोनों को जो है प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा,
को 25 प्लस किए तो कितना आ गया, 5 5 10, 4 2 6 1 70, और 70 में से आपने 35 क्या कर दे माइनस, फिर से भी क्या बच जाएंगे 35 35% का आंसर बन जाएगा। किस हिसाब से बना है आपके सामने है, जो कि ये हमने स्केल वाले वाले। अगर आप बोलते नहीं सर जैसे आप बना हुआ था तो मैं तरीके से कर लूं, कोई इशू नहीं है। क्या बोल रहा हूं, पहले पेपर है ये, दूसरा पेपर है, पहले पेपर में कितने पास है, दूसरे पेपर में कितने पास है, 55%। अब बोथ में जो है वो फेल दिए हैं, प्रॉब्लम यहां पर है बोथ में अगर फेल है तो आपको इसको भी पास बनाना पड़ेगा। 100 में से 35 गए, बच गए पेंसिल। अब इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 75 और 55, 5 5 10 1 आ गया, और 7 1 8 और 8 5, 65 को माइनस कर, जैसे मैंने आपको समझाया है वही मेथड है, कोई अन्य मेथड नहीं है बच्चों। आ गया 5 और 65, ये कौन हमने निकाले, हमने कौन से निकाले, मगर इन्होंने भी हमसे क्या मांगे थे, हमसे कौन से पूछे थे, खेल वाले वो आगे 65%, और हमने यहाँ पर 35% कौन से निकाले थे, पास वाले क्या यहाँ पर हमने 65% कौन निकाल दिए, ये निकाल दिए पास वाले, एक पास वाले हुए, कौन से हुए 65, पास वाले। और फेल निकालने हैं क्वेश्चन में, फेल पूछे तो हमने 100 में 5 माइनस कर देने तो रह गए आपके 10, ये कौन से आगे फेल वाले। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर पास वाले पूछते तो ये कौन है फेल वाले, आप इसको निकालते तो 65% है फेल वाले, ये आ गए आपके पास वाले, फेल वाले आपने कितने निकाले 35, टोटल हो गया आपकी 100%, हो गया 100%, जोड़कर भी लग जाता था ताकि हम गलत कर रहे हैं। ये थे परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न रहते हैं, इन्हें हमें बार बार परफेक्ट करना है, करते ही रहना है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं, इसी परीक्षा में एक लड़का 40% लड़का 45% अंक प्राप्त, लड़का 40 ले रहा है दूसरा 45 ले रहा है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 60 अंक अधिक पाते हैं, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स या मार्क्स समझ सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, देखो दो नंबर है तो दोनों ने अधिक ले रहे हैं तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस क्या कर ले, माइनस कर लेना है, और उनकी परसेंटेज को भी आपस में माइनस, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए और तुम ठीक है। और आपको बताया परसेंटेज चक्कर है, 100 कुल प्रतिशत ना आ गया 5 ही आ गया, क्या आ गया का आ गया 5 और का आ गया टोटल इंटीजर टोटल मार्क्स कुल मार्क्स 5। प्रकार से सेम सवाल एक और लेकर आए, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करता हूँ आप भी साथ साथ में खुद भी किया करो क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आप ये सोचोगे
करवाएगा या टीचर ने तो करवाना है, बट आपको भी साथ में करना चाहिए। सोहन के 35 अंक पाता और न्यूनतम अंक से जो है वो 30 अधिक है, जबकि सोहन 25 अंक लेता है और न्यूनतम अंक से 30 कम रहते हैं। अब क्या है, दोनों ने 30-30 कम ले रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, एक अधिक ले रहा है दूसरा कम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 30 अधिक लिया वो तो पॉजिटिव आया, कम वाला नेगेटिव माना था पर वो हो गया -5, क्योंकि हम तो डिफरेंस लेते थे, अधिक नहीं है वो कम है, ये 30 और 30 के आगे प्लस 60 हो गए। दोनों का प्रतिशत का क्या लेते थे हम बेटा, प्रतिशत का क्या लेते थे, तो आपको मालूम है डिफरेंस लेते थे, तो हम आप भी ठीक और गुणा में 100 आ रहे। 30 जमा 30 कितना हो गया 60, 25 35 यानी 10 गुणा 100 0 से 0 तो कितना आ गया, चल आ गया अच्छा आ गया 600 जो है ये टोटल मार्क्स एक पूर्णांक है, टोटल कुल मार्क्स है 600 मार्क्स का। अब इसमें साथ में पूछा है न्यूनतम जो है तीर्णांक यानी टोटल जो पेपर में पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, तो बहुत ही सिंपल ही है, आप सोहन ले लो या मोहन, तो अभी हम जो है किसको ले, तो अगर हम इस वक्त मोहन को लेते हैं तो मोहन ने 35% अंक लिए, वो लिए उन्हें 635 650 हो गया, देखो 35 पर उसने 30 नंबर ज्यादा लिए, चलो आइडिया लग जाएगा। हो जाएंगे 100 आपका आंसर, अगर आप बोलते नहीं सर आप सोहन को लीजिए आंसर करिए, सोहन का ले लीजिए, सोहन के द्वारा किए हो गया है क्वेश्चन कवर है, पर आपके लिए ऑप्शन आप सोहन भी ले सकते, सोहन का अगर बच्चों का था 25% आपने 25% 25 तो 6 से आप करते हैं। अब उसने क्या किया था, कितने कम नंबर लिए 30 कम लिए, तो अब प्लस हो जाएगा ना, हो गया बच्चों देख सकते तो दोनों आएंगे। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चनों के आंसर जो हैं बिल्कुल सटीक और सिंपल ही आएंगे, बस ये टाइप्स और इन क्वेश्चन को आप दोहराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़के सम्मिलित हुए, इसी परीक्षा में जो है 500 लड़के और क्या होंगी गर्ल्स, लड़के लड़के क्या 500 लड़के और 300 लड़कियां, ठीक है, सम्मिलित हुए यानी कि इकट्ठे हुए, यदि लड़के 70% है, देखो लड़कियां भी 70% यानी कि दोनों की परसेंटेज इक्वल है, तो उत्तीर्ण हुई हो तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, सिंपल सवाल है, 500 लड़के थे, बॉयज की बात है, बॉयज थे तो उसका क्या किया है, 70% क्या हुए, आपको चाहिए कौन है फेल, इसलिए मैंने फेल वाले क्या किया, 100 में से 70 गए तो कितना रह जाएगा बच्चों, 100 में से 30 आना था,
मैं कितना लिया सर, उल्टा हो जाएगा फिर बाद में इससे करना पड़ेगा। यहाँ पर यानी कि लड़के कितने हो गए, 150 हो गई, और गर्ल्स की बात की जाए क्या ध्यान से सुने, 300 हैं और वो भी 70 थी, एक हमने बच्चों उसका भी हो गया, कितना हो गया। आई होप कि आपको इतनी बात जो है क्लियर होगी होगी, बच्चे जो हैं कुल कितने थे आपको पता लग गया है। आप बच्चे को प्रति 40 तो कुल बच्चे, अब इन्होंने पूछा है कि इतने तो बच्चे हो पास थे, अब इन्होंने बोले कुल खेल वाले कितने, ये तो पास भी ये तो हमने निकाले 240, ये तो फेल थे, कितने में से थे, 5 3 8, 800 में से हो गया, 800 में से कितने बच्चे फेल थे, 200 उसकी प्रतिशत बच्चे हो गया, 8 1 8 3 24, यानी कि आपका क्या आंसर आ गया जो 30% थे अनुत्तीर्ण थे, पास पूछा होगा तो 70, क्योंकि 70 70 दिया हुआ है, हो गया 100। इसका मतलब हमने बिल्कुल सवाल जो है वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। छात्र एक प्रतियोगिताओं में 12% पात्र घोषित डिस्क्वालीफाई जो है उनको कर दिया गया है, पात्र प्रतियोगिताओं में 75 प्रतियोगी सफल हुए, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों की कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। सवाल को भी हम करेंगे मगर हम इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज लेकर आएंगे, 100% मानकर चलते हैं, 100% हमारे जो हैं मान लेते हैं, टोटल परसेंटेज कितने हैं, 100% प्रतियोगी जितने भी आए हैं या 100 लड़के आए हैं, ऐसे समझ ऐसे नहीं आए परसेंट, 100 लड़के आए हैं क्या, हम 100 मान, 12% तो निकाल दो, 100 में से अगर 12 निकल गए बच्चों तो कितने रह गए, 88, सही है। अब 88 बंदों ने अगर आगे गए हैं तो उनमें से ही कोई सफल हुआ होगा जो कि 75 88 का 75% निकाल, 25 75 और 25 और 4, अच्छा हो गया 66, यानी कि 66%। यही इस प्रकार से जो आप परसेंटेज मानकर भी अपने कर सकते हैं या करेंगे, क्योंकि तो इसमें जो है टोटल परसेंटेज हम कैसे लेंगे, इस वजह से जो है अवघोषित कर दिए गए, तो जब हम उनको अपात्र डिस्क्वालिफाई कर दिया गया या इनएलिजिबल कर दिया गया, आइडिया लगाने के लिए हमने 100 मानकर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, एक हॉस्टल है जहाँ पे 800 रह रहे हैं, और 75% जो है लड़के हॉकी, 50% फुटबॉल खेलते हैं, कि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य ही खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि बेटा जो एक्स लड़के हैं वो दोनों गेम खेल,
क्या है, एक्स लड़के जो है वो दोनों गेम खेलते हैं, तो 800 लड़के रहते हैं, यानी कि फुल लड़के कितने रहते हैं, 800। 800 का ही 75% जो है, कुल का ही 75% क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और कुल का ही 800 का ही 50% जो है वो क्या करते हैं, बॉल खेलते हैं। जो कुछ ना कुछ तो खेलते होंगे, तो इसके माइनस कैलकुलेट कर लेना बच्चों, और कुछ नहीं है, एक्स इधर आ गया, सॉल्व कर लीजिए, 800 एक्स इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो 400 इस प्रकार से जो है हम आंसर निकाल सकते हैं, 200 लड़के जो है कोई ना कोई, अगर अच्छा कोई ये बोलेगा सर आपने प्लस का सिंबल माइनस ही क्यों लगाया, ये इसलिए लिखाया क्योंकि कुल से जो सिर्फ हमें जो चाहिए है वो चाहिए है वो बच्चे जो दोनों खेल खेल, इस वजह से इसको माइनस कर देंगे हम, कुल में से सिर्फ रह जाएंगे वो लड़के जो दोनों में से एक खेलते हैं। अगला सवाल करते हैं आज का, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, 40% कर्मचारी कॉफी, इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय जो है अथवा दोनों पेय जो है लेते हैं, सारे पीने तथा 25 जो कर्मचारी है वो दोनों पेय लेते हैं, प्रतिशत नहीं है, 25 बंदों की बात की है, तो बताओ कि कुल बंदे कितने हैं। इसमें जो थे वो कुल दिए थे, लड़के दिए थे 800, इसमें कुल नहीं दिए हैं अब, और कुल पूछे गए हैं, तो जो पूछे गए हैं तो हम x इक्वल टू x का ही 70%, यानी कि टोटल का ही 70% चाय पीते हैं, प्लस टोटल का ही क्या करते हैं 40% कौन है, कॉफी पीने वाले बच्चे, ठीक है बच्चों, कर्मचारी वो वाले आ गए। इसी प्रकार से माइनस कौन होते हैं, तो दोनों होते हैं, इसे हम सिंपलीफाई x 70/100 40 माइनस 0 से 6 25 को मैं इधर उठा के ले आया, x को उधर ले जाता हूँ, 7x 10 4x, कई बार आप कंफ्यूज ये ऊपर से काटा करो, अगर बेस में हमारा 10 बन रहा है काटने की क्योंकि एलसीएम लेना चाहिए, चार 11 और आप कुल व्यक्ति या कुल कर्मचारी कितने थे, 250 कर्मचारी जो है वो ऑफिस में जो है वर्क करते, तो दोनों में से चाय और कॉफी में से पीते थे। तो आज की आपको ये क्लास कैसी लगी, इससे जुड़े हुए टाइप्स के लिए जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी आपको। इसी प्रकार से बने रहिएगा अगली क्लासेस के लिए परसेंटेज की।
तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।